लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की गेट को प्रशासन ने बंद कर दिया। कल इसी कन्वेंशन सेंटर में अखिलेश यादव के जाने का कार्यक्रम है। कल जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के मौके पर कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें अखिलेश यादव को जाना है, लेकिन प्रशासन ने इस गेट को बंद कर दिया है। प्रशासन ने कार्यक्रम की अभी तक अनुमति प्रशासन से नहीं ली गई है, प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं दी है और गेट पर ताला लगाता हुआ प्रशासन दिख रहा है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, प्रशासन से कार्यक्रम की अनुमति नहीं, जिसकी वजह से गेट पर ताला लगाया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से कल यहां पर एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी की गई है। कल अखिलेश यादव को इस कार्यक्रम में जाना भी है, लेकिन उससे पहले ही कन्वेंशन सेंटर की गेट पर ताला लगाते हुए आप प्रशासन के लोगों को देख रहे हैं। नोएडा साइबर क्राइम पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट करके 52 लाख रुपए की ठगी करने वाले शातिर साइबर अपराधी जमुना प्रसाद रावत को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी हाथरस से हुई है, इंटेलिजेंस की मदद से हुई है। मामला 29 अगस्त का है, जब नोएडा की एक महिला डॉक्टर ने साइबर क्राइम थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। माह अगस्त में एक निजी बैंक के कर्मचारी के साथ डिजिटल अरेस्ट की कार्रवाई करते हुए अपराध किया गया था। प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आते ही इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया तथा साइबर फ्रॉडस्टर्स के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। प्रकरण में फ्रीज किए गए रुपए को कोर्ट के माध्यम से रिलीज करवाने की कार्रवाई जारी है। बहराइच में एक ई रिक्शा चलाने वाले पर जानलेवा हमला हुआ। ई रिक्शा वाला गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे चाकू मारने की घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। चाकू मारने वाला शख्स पड़ोसी है। दोनों के बीच पहले से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। घायल अब्बास का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र की है। पहले यह खबर आई थी कि ई रिक्शा पर नहीं बिठाने को लेकर विवाद हुआ और चाकू मार दिया गया अब्बास को, लेकिन अब यह जानकारी आ रही है कि दोनों के बीच पुराना विवाद था। अभी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पेशेंट लाया गया था और राइट साइड लेफ्ट साइड चेस्ट पे यहाँ इंजरी थी और एक लेफ्ट साइड एब्डोमेन पे इंजरी थी। अब्बास करके नाम था। मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन कंप्लीट करके लेके और पेशेंट को एडमिट कर लिया गया है। पेशेंट की कंडीशन फिलहाल ठीक थी। सोनभद्र के ओबरा की 1320 मेगावाट बिजली परियोजना में मजदूरों ने वेतन न मिलने पर हंगामा किया। चार महीने से वेतन न मिलने पर मजदूर हंगामे पर मजबूर हैं। मजदूरों ने कामकाज ठप रखा, प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि इन्हें सैलरी नहीं मिल रही है। इन्होंने एसडीएम का घेराव कर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को मौके पर बुलवाया और वेतन को लेकर बातचीत की। बैठक में ये तय हुआ है कि अगले 15 दिन के अंदर इनके वेतन का भुगतान हो जाएगा और अगर नहीं होता है तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। तो इस तरह से गोल मटोल बात कर रहे थे कि प्रेजेंटी मैं भरता हूँ नहीं हूँ, माने उनका माने मजदूरों का प्रेजेंटी इनका आदमी कौन भरता है इनको खुद ही मालूम नहीं है। अब ये किस तरह से टीएमसी काम कर रही है और एक जो है प्रेजेंटी 26 दिन का बना के देते हैं और उसी को जो है ये जो है 8 दिन 10 दिन का करके जो है ये कर रहे हैं। हमीरपुर जिला IGRS पर आए शिकायतों के निस्तारण में सितंबर के महीने में पहले स्थान पर रहा। प्रदेश में जनसुनवाई के लिए चलाए जा रहे IGRS पोर्टल पर शिकायतें जितनी आई हैं उनके निस्तारण के लिए रैंकिंग जारी की गई। हमीरपुर जिले को इस रैंकिंग में 95.38% अंक मिले हैं, जबकि पुलिस की रैंकिंग में 100% अंक मिले हैं। जिले के 14 में से 9 थानों को पहला स्थान मिला है। प्रदेश स्तर पर जारी रैंकिंग में इन थानों को 115 में से 115 अंक मिले हैं। जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने वाली टीम को SP दीक्षा शर्मा ने बधाई भी दी। हमीरपुर पुलिस को सितंबर माह की IGRS के रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे जनपद के 9 थानों को भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जनपद स्तर पर हमने एक IGRS सेल का गठन किया हुआ है, जो कि दिन भर मतलब उनका 24 घंटे यही होता है, 24x7 वो ये मॉनिटरिंग करते हैं जो शिकायतें आई हैं उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो। और जब भी हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो हम लोग दोबारा वापस भेज के उस समस्या का निस्तारण कराते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि 100% उस समस्या का निस्तारण हो।